अस्सलाम वालेकुम आ चुके हैं हम न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। अब हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है दिवाली रिटर्न्स और ये वीडियो आशीष चंचलानी की है। बस बस इतना ही आता। खैर इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, नहीं तो इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप लोग वहां पे भी लिंक भेज सकते हो वीडियो का जिस पे रिएक्शन चाह रहे हो। तो लेट्स गो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और दिवाली रिटर्न्स, वैसे आशीष चंचलानी की वीडियोस तो यार वैसे ही फनी होती है, वो बंदा ही फनी है। ये क्या? I know. ठीक है, अच्छा दोनों ने सेम कपड़े पहने। ओ गुस्सा आ गया। ओ सेम ड्रेसेस हो गए। ओ नाइस ड्रेस, अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग पर्सन। मुझे कॉपी करने की इतनी आदत है तो मांग लेती, दिवाली के बाद दान कर देती तेरे को ये ड्रेस। पेटी लगी पड़ी है और मुझे दान करने की बातें बोल रही है। नाइस सैंडल। बाल देखो दोनों के। थैंक्स, इतना मरमत मेरे पे। कौन से चोर बाजार से खरीदी? फ्रेश खरीदने की तो तेरी औकात नहीं है ना। बाय द वे तेरे सैंडल भी अच्छे हैं। कौन से मंदिर से चुराए? तुम भी ऐसी करती हो? नहीं यार, सॉरी मैंने तेरे को चोर बोला, ये कैसा रहेगा? कुत्ती, कमीनी, करमजली, कलमूही, कलंक, काली पीली, टैक्सी, टकली, अगली फगली, आसमान के कबूतर, अगली फगली, नकली औरत। अबे तू अधेड़ उम्र की आंटी। ओ ओ ओ ओ ये लड़ाई वैसे सही है। ओ अच्छा वो वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ही होता है। ओ ओ ओ लड़के खुश। कमला बेटा दिया जला दे। कमला बेटा पागल है। मम्मी दिया को पेट्रोल से जलाऊं कि डीजल से? अरे ओ पागल हो गई है। मजाक कर, इसको ऐसे ही जला दे। अरे ओ इसको माचिस से जलाती हूँ। अरे ओ पागल, तीली तो निकाल। ओके ये आवाज मुझे किसी तरह लग रही है। ओ ओ तीली ये। अरे माचिस तो जला। ओके ओके मजे जला देगा पूरी। माचिस पूरी। माचिस जला दिया, फिर मैं शावर जलाई नहीं। लगता है इसकी बैटरी लो होगी। मैं इसको टेरेस से फेंक रही हूँ। नहीं, मैं इसको आज फेंक दूँगी। चल चल चल, पूजा के लिए लेट हो रहा है। आंटी क्योंकि मैंने इसमें चूहों मारने का जहर डाल दिया है। क्या खांसते हो? हीट वाला गुलाब जामुन खाओगे? हीट वाला गुलाब। आशु तेरे पटाके किधर है? चल ना जलाते। तू हर साल हरामखोर मेरे घर पे इसीलिए आता है ना, ताकि मेरे पटाके जला सके, मेरे पटाकों पे पलने वाले कीड़े। गुरु तो पैसे नहीं है तो मेरे को बोलना, MPL डाउनलोड करना। MPL? अबे MPL जिसकी मैं। अरे ये पैसे कहाँ से लूँ? हाँ एक काम करता हूँ, ATM से निकाल के आता हूँ। पापा बोल बेटा। और पप्पा जिंदगी में सब। अरे काटना, बोलना क्या चाहिए? एक्चुअली पप्पा मुझे ना पतलून उतारू तेरी, प्लम्बर बुलाओ, टकले आ जॉनी। अरे नहीं पप्पा, टकले आ जॉनी। मुझे पटाखे जलाने हैं। हाँ तो जला ना। नहीं पापा, मुझे पटाखे जलाने के लिए पटाखे चाहिए और वो पटाखे खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, पैसे जला डाल मेरे।
नहीं पैसे क्यों बेटा, मुझे ही जला दे। हाँ जी तो जला दे बेटा मेरा, आपके पिछवाड़े में कब आ गई? अरे वो जी की नहीं, जिया जले जहाँ जले वाली जी की बात कर रहा हूँ, जिया और जहाँ की जी जले वाली जी की बात नहीं कर रहा हूँ। देख मेरी अनपढ़ गवार औलाद, जिंदगी में मुंह मांगने से और शांत बीवी किसी को नहीं मिलती। लेकिन मुझे मिल गई। पता नहीं हर वीडियो में तेरी माँ बैकग्राउंड म्यूजिक क्या बोला से आ जाती है। पप्पा यार ये बहुत गलत बात है, आप मेरे को कभी भी पटाखे लेके नहीं देते हो, ऊपर से हर दिवाली मेरे को घर से भगा देते हो नानी के घर के लिए, बोलते हो मुझे और तेरी माँ को अकेला छोड़, हम तेरे लिए दिवाली की गिफ्ट बना रहे। पप्पा 8 साल हो गए आपने एक भी गिफ्ट नहीं दिया, ना मुझे ना मेरे बाकी के साथ भाई बहनों को। बाकी के साथ बहन भाइयों को? अरे अनुराधा कब बड़ा होगा? अरे इसकी बात कर रहा हूँ। पापा मेरे को पटाखे जलाने हैं। अबे घर के डिसअपॉइंटमेंट, जिंदगी में पटाखे मत जला। पिछले साल मैंने तेरी माँ पे पटाखा फोड़ा, फिर तेरी माँ ने मुझे फोड़ा, न जाने मेरा क्या क्या तोड़ा, मैंने जैसे तैसे जोड़ा, लंगड़ा कर दिया मेरा घोड़ा, क्योंकि तेरी माँ ने लगा दिया मेरा जाने दे, फिल इन द ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देते। कुछ चीजें कही कमेंट सेक्शन में लिखी जाती है। आगे बोल पापा, ये बहुत गलत बात है, आपके पास इतने पैसे। अरे शर्म कर बेटा, शर्म कर, जब हम तुम्हारी उम्र के थे, लो चालू हो गया इनका, तब हम इतने गरीब थे, हम जंगल में पैदा हुए थे, मेरा बाप टार्जन और मेरी माँ मोगली था। माँ बाप थे या बाप? जब तेरा दादा टार्जन और तेरी दादी मोगली गुजरे, तो तेरे बाप को विल में सिर्फ केले के पत्ते देके गए थे। सोच इतनी गरीबी थी, केले के पत्ते पहन के घूमते थे, दिन में बकरी पत्ता खाती थी और रात को बंदर आके हमारा केला, आई मीन हमारा केले का पत्ता खाता था। बेटा एक बात आज सुन ले मेरी, दिवाली पटाखों से नहीं मनाई जाती, दिवाली अच्छा। श्रद्धा से मनाई जाती है। लेकिन पापा श्रद्धा भी किसी पटाखे से कम नहीं लगती। निकल आजा आराम को, अच्छा बताओ बच्चों, दिवाली पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सफाई, पूजा, दिवाली की खर्ची। दिवाली पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है दिवाली का होमवर्क। तो लिखो, पहला होमवर्क लिखो मैथ्स का, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5। अच्छा इनको भी स्कूल से। होमवर्क नंबर 2 मैथ्स का, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 8। दो बार इसी तरह होता था। अभी लिखो इंग्लिश का होमवर्क। मराठी टेक्सटबुक जो है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके सॉल्व करके आना है। अगला होमवर्क लिखो हिंदी का, इसमें आपको सिर्फ एक निबंध लिखना है। ये निबंध का टॉपिक है माय फेवरेट फादर। मैं फेवरेट स्टूडेंट नहीं है। फिजिक्स और टॉपिक है एयर प्रेशर, इस बार हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। सर क्या प्रैक्टिकल करना है? चलती हुई ट्रक से तुम्हें हवा निकालनी है और वही चलती हुई ट्रक के टायर में तुम्हें मुंह से हवा भरनी है। अरे यार मेरे को लग रहा है यार, मुझे भी। नेक्स्ट होमवर्क है पीटी का। पीटी की मां की चींटी। तुम्हें बस इतना करना है, सुबह को 7 बजे उठना है और 9 तक कुत्तों की तरह भागना है, फिर 9 बजे सो जाओ। बोलो सियावती रामचंद्र की जय। उसके बाद 9:05 उठो। सबको लाइव स्ट्रीम पे आके पीटी करनी है। 1, 2, 3, 4 नहीं, सबको करना है आई लव माय स्कूल, मैं सर का चुसुमा। नेक्स्ट होमवर्क है ज्योग्राफी का। हाथ से बांद्रा वर्ली सीलिंग नाप के आनी है। सर वो बहुत लंबा है, फिर वही बांद्रा वर्ली सीलिंग से नदी में कूदो, नदी से इंडियन ओशन जाओ, इंडियन अलग करो, ओशन अलग करो, इंडियन घर लेके आओ, ओशन उधर ही छोड़ के आओ, बिकॉज़ वी हैव टू बस कर पापी दे वाटर। ओके मैं और कुछ भूल रहा हूँ क्या? बच्चों हैप्पी दिवाली। हजार बार लिख उनको काम दे। अरे क्या खोलो, नहाए ना लो, सीधा खोलो। हेलो आवाज आया, क्या दबाया? दबाया मजा आया। अरे नहीं दबाया, अच्छा चबाया। अरे भाई अच्छा नान कटाई, वही सोचो क्या दबाने चबाने की बातें कर रहे हो यार। अच्छा ये सब छोड़, दिवाली तो विश कर। किसकी काम वाली को किस कर? अरे क्या सुनता है तू, हवस के पुजारी, तू जुआरी तेरा बाप जुआरी। अरे बाप पे क्यों जा रहे? कौन नाप के खुजा रहे? खुजाने की बात किसने की, सुजाने के बाद किसने ली? नब्बे लोगों ने ली। अच्छा सुन, ओके
कुन फाया कुन, कुन फाया कुन जब कहीं पे। अरे ओ तू खेल रहा है अंताक्षरी। आफरी आफरी। अरे बंद कर, सीधा साउंड कम कर, मैंने जो भी किया। चुप हो जा भाई। जुलाब की दवाई, जुलाब की दवाई नसीब वाले हो भाई। अरे ओ भेड़े, आसपास जो भी ठहरे उन सबको बोल ले। अरे ओ बेरा खानदान, मेरे पिछवाड़े से सावधान। अरे यार जाने दे। दिवाली में जुलाब के अपने फायदे। अरे भाई रुको, शावर जलाने के लिए झुको और पीछे से अपना शावर थूको। अरे ओ गवार, अमर पवार बेस्ट जुलाब स्पेशलिस्ट। पिछवाड़े में पिचकारी डाल के पूरा जुलाब निकाल देते हैं। पिचकारी, चिंगारी नहीं भेरे, पिचकारी पिचकारी। अबे बहरा तू है तो सहरा क्यों है? घुसा दे अपने पिछवाड़ में बलम पिचकारी। सुन दे भिखारी, निकाल दे सारी बीमारी। अभी ना मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो खुद क्यों घुसा रहा है? अरे यार घुसाने किसने बोला? कहाँ डाला आज बोला? अबे बहन केल, थोड़े कितने तोड़े? तेरी माँ का चोपड़ा। अबे चंचलानी नॉट चोपड़ा। इतने बड़े बड़े डंडे डालूंगा ना तेरी सांड में। मेरी सांड में बड़े बड़े अंडे डालेगा? पागल हो गया क्या? साले तेरे को ना बांधूंगा और मैं ना तेरा थोड़ा चाटूंगा। चाटूंगा नहीं काटूंगा। कहाँ बांटूंगा? अरे बांटूंगा नहीं काटूंगा। फिर से चाटूंगा। अरे भाई डिसाइड कर ले, काट काट के चाटेगा या चाट चाट के काटेगा या काट काट के चाट चाट के बांटेगा? तेरी माँ की रात। What the fuck? लगता है बचपन में इसके कान के इधर किसी ने बम फोड़ा था। नहीं बैरा, बैरा इतना नहीं था, लेकिन वो मसला ये था पटाखे पीछे बज रहे थे तो उसको आवाज सही नहीं आ रही थी दोनों को। उसकी तरफ पटाखे नहीं बज रहे थे, इसकी तरफ पटाखे बज रहे थे जो पुठे जवाब दे रहा था। खैर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, आई मीन फनी थी, बहुत मजे की थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाजिम कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और अगर आप लोग चाहते हो किसी और वीडियो पे रिएक्ट करें तो आप वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजम कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।